दोस्तों वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा डिजिटल टू दी ऑडियो कन्वर्टर। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था और इससे हम क्या करते हैं, जिसमें जैसे हमारे टीवी में कोई आरसी इनपुट्स नहीं होते ऑडियो के लिए, आउट के लिए, तो हम इसे यूज़ करते हैं। जो आपके टीवी आ रहे हैं उनमें सिर्फ या तो ब्लूटूथ होता है, या तो ब्लूटूथ ही होता है, या फिर ऑप्टिकल होता है, या कोएक्सियल होता है। तो हम किसी ये बिना ब्लूटूथ वाला वर्जन है, इसमें हम ब्लूटूथ वाला भी आता है, वो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसका भी। पहले हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। ये काफ़ी अच्छी बनी हुई है, ये ब्लैक में है और इसके लेबल्स जो हैं वो वाइट में हैं। पहले हम फ्रंट की बात करते हैं। इसमें क्या है, पहले आपको हेडफोन जैक के लिए आउट मिल जाएगा और LED इंडिकेटर मिल जाएगा एंड वॉल्यूम रॉकर, जिससे कि हम वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं रियर साइड में। इसमें पहला पोर्ट जो है आपका वो होगा इनपुट पावर के लिए 5 वोल्ट पर, लेकिन ध्यान रखना 5 वोल्ट से ज़्यादा वाला चार्जर नहीं लगाना है, तो ये फूक सकता है। पहले आपके 2 इनपुट पोर्ट मिल जाते हैं जो टीवी से कनेक्ट होंगे, ऑप्टिकल एंड कोएक्सियल। ऑप्टिकल में क्या होता है, जैसे एक थिन फाइबर होता है वो विच इज़ फास्टर देन कोएक्सियल, सो मैं रेकमेंड करूँगा आप ज़्यादातर ऑप्टिकल को यूज़ करें, तो आपके लिए बेटर साउंड क्वालिटी देगा। और ये हो गए L&R, जो आपके पुराने होम थिएटर्स हैं, जैसे कोई भी म्यूजिक प्लेयर है जो पुराने ज़माने वाले, उनके उनमें ये कनेक्ट हो गया L&R पोर्ट, और आप यहाँ से भी आउट ले सकते हैं उसके लिए, ठीक है। और जो इसके पोर्ट्स की मैं बात करूँ, तो ये गोल्ड प्लेटेड बने हैं, जिससे कि ये जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। और आप ध्यान रखना, अगर आप अच्छा आउटपुट चाहते हैं तो हाई क्वालिटी केबल्स यूज़ करना, जिसमें कि गोल्ड प्लेटेड हों, तो आपको हाई बेस और हाई ट्रेबल मिलेगा। इसी के साथ मैं इनकी स्पेसिफिकेशन भी दे दूंगा इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।